नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप सभी का स्वागत है द अर्बन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैंने पीजी को छोड़ के सिंगल रूम में शिफ्ट होने का डिसीजन क्यों लिया। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैं अभी 4-5 महीने से बेंगलोर में ही हूं और इस चैनल में मैं पिछले कुछ वीडियोज़ को इसी टॉपिक से रिलेटेड ही रखा है और आने वाले दिनों में भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ ही बनाने वाला हूँ। तो इसी के चलते मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जो एक एक एक्सपीरियंसेस है वो इस चैनल में वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप भी इस टाइप के टॉपिक्स को ऑनलाइन ढूंढ रहे हो और किसी तरह से आप मेरे चैनल को डिस्कवर करते हो तो डेफिनेटली मेरे वीडियोज़ आपको कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा या फिर बात करूँगा कि मैंने पीजीज को क्यों छोड़ा और क्यों मैंने सिंगल रूम में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया है। हालांकि मैं अभी एक 1 BHK में रहता हूँ, तो बीच में मैं सिंगल रूम में भी रहा था, तो सारे एक्सपीरियंसेस में एक एक करके शेयर करूँगा। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, मैं मई के एंड में आया था और मई के एंड से लेके जुलाई के एंड तक मैं बेंगलोर में 3-4 एरिया में रह चुका हूँ। मैं ऑलरेडी 2-3 PGs को भी चेंज कर चुका हूँ और इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो गया है पीजी में रहने का। ठीक है, और ये जो 2-3 महीने का मेरा पीजी में रहने का एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया है और उसके चलते फिर मैंने डिसाइड किया कि पीजी छोड़ देना ही मेरे लिए बेटर है। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं IT कंपनी में काम करता हूँ और काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा नीड अलग है। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता। एक पीजी में शिफ्ट होना आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है और इनिशियल स्ट्रगल डेज के लिए ये आपके लिए एनफ भी है। मगर आप अगर मेरे जैसे हो, प्रोफेशनल हो, अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले रहना चाहते हो, अभी कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए बेंगलोर में आए हो और इस टाइप के सिंगल अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलूँगा कि पीजी सस्ता तो डेफिनेटली है, बट पीजी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो होगा आपका हाइजीन को लेके। ठीक है, डेफिनेटली एक बिल्डिंग में आप किसी भी टाइप के पीजीज में रह सकते हो। कंपेरेटिवली आप अगर कोलिव वाले फैसिलिटी, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, उस वाले फैसिलिटीज़ पे अगर आप रहते हो ना तो आपको बेटर मिलेगा, मगर जो ऑर्डिनरी या एवरेज या फिर पीजीज होते उसमें आपको हाइजीन का इश्यूज़ डेफिनेटली दिखेगा। हर पीजी में फूड इंक्लूडेड होता है और आप जैसे किचन में जाओगे या फिर पीजी में आसपास देखोगे तो थोड़ा बहुत हाइजीन का तो इशू रहता ही है। और दूसरा जो पॉइंट मैंने नोटिस किया कि मुझे थोड़ा सा सुकून एनवायरनमेंट चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, डबल शेयरिंग रूम को रेंट पे ले लिया था। मगर रूम सिंगल मिल जाने से आपको आपका एनवायरनमेंट सिंगल नहीं मिलता। पीजी में क्या होता है, काफ़ी सारे लड़के होते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक हमेशा एक हॉस्टल जैसा माहौल बना रहता है। हालांकि कुछ कुछ पीजीज में स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते थे, मगर यहाँ पर हर कोई मैच्योर इंसान ही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे हॉस्टल लाइफ में हल्ला गुल्ला होता है वैसा नहीं है, मगर फिर भी मैंने देखा है कि पीजी का जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एवरीवेयर बैचलर लोग ही होते हैं और वो अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, वो होता है हर जगह में थोड़ा सा क्राउड रहता है। तो मैं थोड़ा सा सुकून वाला पीसफुल एरिया ढूंढ रहा था, तो इस चक्कर में क्या हुआ, मैंने 2-3 PGs को भी चेंज किया, तो इससे तो मुझे जो मेरे टाइप का जो रूम था, सिंगल रूम और एनवायरनमेंट था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने थोड़ा सा पैसा भी पे किया, मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा कोलिव वगैरह में भी टाइप के पीजीज में भी रह के देख लेते, वहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर है। बट हाँ, दूसरा जो प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे फेस करने थे वो क्या है, मैं आपको वो भी नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपेरेटिवली कोलिव्स, जोलो पीजीज ये जो है वो कंपेरेटिवली बेटर है, मगर उनमें क्या प्रॉब्लम है वो अभी मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताता हूँ। अब जैसे स्टांजा लिविंग, कोलिव, जोलो पीजीज में मैं 2-3 का नाम लिया हूँ, इस तरीके और भी मैनेज्ड पीजीज है जिसपे आपको क्या होगा ना, आप अगर सिंगल रूम लेना चाहते हो, एकदम सिंगल रूम जिसमें सिर्फ एक बेड, वार्डरोब और एक टेबल होगा, उसमें रूम्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, अटैच बाथरूम भी होगा मगर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। रात को जब मैं बंद करके उनमें सोता था ना, बहुत ही क्लास्ट्रोफोबिक सा फील होता है, और उस टाइप के रूम का रेंट आपको 18,000 से 20,000 के आसपास का होता था। और वहीं पे अगर आप अगर दो बेड डबल शेयरिंग वाला रूम को रेंट पे लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको कम से कम 25,000 के आसपास रेंट देना पड़ता था। तो अगेन वो 25,000 देने के बाद भी मैं एक पीजी में ही रहता था, फूड के लिए भी उन पे बुरी तरह से डिपेंडेंट रहना पड़ता था क्योंकि फूड उनके साथ इंक्लूडेड ही था, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है। अच्छा, फूड हर पीजी में लगभग अवेलेबल ही होता है, किसी में 2 टाइम का होता है, किसी में 3 टाइम का होता है।
तो मैं आपको वही बोलूँगा कि एज ए स्टूडेंट आपके लिए पीजी डेफिनेटली बेटर है, फूड के साथ आएगा तो आप कॉस्ट बचा सकते हो। तो मेरे लिए डेफिनेटली कॉस्ट बचाना एक टारगेट था, मगर ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे जो जो प्रेफरेंसेस थे उसको भी सेक्रीफाइसेस करने थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि फूड भले ही 3 टाइम मुझे मिल रहा है और मुझे कॉस्ट भी सेविंग्स हो रहा था, मगर बार बार वो पीजी का जो फूड है वो खाना मेरे लिए उतना पॉसिबल था नहीं। आप अगर साउथ इंडियन प्रॉपर होते हो तो डेफिनेटली आपको शायद अच्छा लग सकता है, मगर मैं साउथ इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू में से ही बोलूँगा कि मतलब जो साउथ इंडियन फ्लेवर है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरा जो 80% खाना होता है वो साउथ इंडियन ही होता है। मगर पीजीज़ में क्या होता है, जो खाने का जो क्वालिटी मैंने जो नोटिस किया वो सेम टाइप का नहीं रहता, खाना हमेशा आपको गर्म नहीं मिलता। आप शायद आगे पीछे आ सकते हो, आप ऑफिस से आते आते 9-10 बज जाते हैं तो आपको ठंडा खाना पड़ेगा, तो उस टाइप का एक माहौल रहता है। तो जिस चक्कर में मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये खाना का जो डिपेंडेंसी है वो भी ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद है नहीं मेरे लिए। और मुझे थोड़ा सा कुकिंग का भी शौक है, सिंपल मतलब दाल राइस बना के खाने का भी मन था। तो उस वहाँ पे मैंने देखा कि इट इज़ बेटर कि ऐसे फैसिलिटी में जाया जाए जहाँ पे मेरा भी कुकिंग करने का जो ऑप्शन है वो एटलीस्ट ओपन रहे। ठीक है, ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि अगर आपको पीजी में अच्छा फैसिलिटी वाले पीजी में रहना है तो आपको 20,000 से 25,000 खर्चा करना पड़ेगा। और वहीं पे जब मैं नेक्स्ट एक सिंगल रूम में शिफ्ट हो गया ना, तो सिंगल रूम में शिफ्ट होने के मैं मुझे 8,000 रुपये में ही सिंगल रूम मिल गया, विद उसमें बेड था, मतलब चेयर टेबल सब कुछ प्रोवाइडेड था। तो जो लोकेलिटीज़ है, जो बेंगलोर में जो लेआउट्स है ना, ACS लेआउट, BML लेआउट, इस टाइप के लेआउट में जब आप जाओगे ना तो आपको इस तरीके का सिंगल रूम्स मिल जाएंगे, 1 RK मिल जाएंगे, रूम विद किचन, जो 8,000 से 10,000 के बीच में रेंट पे मिल जाएगा। आप बोलोगे कि आपको एडवांस देना पड़ेगा, तो एडवांस भी आपको 2-3 महीने का ही देना पड़ता है। वहीं पे आप जब मतलब जो मैनेज्ड पीजीज है उनमें जाओगे ना तो वहाँ पे सिंगल रूम आपको करीबन 25,000 के आसपास का रेंट मिल जा मतलब देना पड़ेगा, और उसमें साथ में आपको 1 से 2 महीने का एडवांस भी वो लोग ले लेते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन में भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, सिंगल रूम में शिफ्ट होना मेरे लिए बेटर है। मुझे थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए था, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए था, और स्टार्टिंग में मुझे कमिटमेंट्स नहीं करना था। मुझे ऐसे फैसिलिटीज़ चाहिए थे जो वेल फर्निश्ड हो और सारा का सारा इंटरनेट से लेके कुछ भी अरेंज खुद से नहीं करना था, इसलिए मैंने पीजी को ऑप्ट किया था। मगर वही है कि हाँ, जो मेरे जो टॉप प्रायोरिटी की चीज़ें थे, पीसफुलनेस और थोड़ा सा फ्रीडम, वो मुझे पीजी में नहीं मिल रहा था, और जिसके चलते मुझे शिफ्ट होना पड़ा एक सिंगल रूम में। इसके अलावा मेरा एक और रीज़न था कि मेरे पास एक 4-व्हीलर था और मैं जहाँ पे भी ढूंढता था ना रूम, मुझे उसके पार्किंग की ज़रूरत पड़ती थी। एटलीस्ट रोड सामने बड़ा रोड होता तब भी मैं उसको रख पाता था। तो पीजी में क्या होता था कि मुझे पीजी ढूंढने में भी इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा था कि ज़्यादातर पीजी जो है वो थोड़े से क्राउडेड स्पेस में होते थे, तो मुझे गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलता था। हालांकि मैंने ढूंढ लिया था, मगर फिर भी मुझे उतना ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि एक पीजी में जहाँ पे मतलब 80-90% लोग मान लीजिए बाइक यूज़ करते हैं या साइकिल यूज़ करते हैं, वहाँ पे साइड में प्रॉपर जगह भी नहीं होती थी, बट हाँ मुझे समहाउ टिका के रखना पड़ता था गाड़ी को। तो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर टू मूव इन ए सिंगल रूम ओनली। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स हो गया था पीजी के कंपैरिजन में, बट हाँ, सिंगल रूम का डिसएडवांटेज वही रहता है कि आपको हर चीज़ खुद से करना पड़ेगा। मैं थोड़ा लकी था कि थोड़ा बहुत फर्निशिंग का चीज़ें मुझे मिल गया था, मगर उसके बाद इंटरनेट, फिर खाना, फूड, ये सब कुछ मुझे खुद ही अरेंज करना पड़ा था, बट हाँ मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ रीजंस कि मैंने क्यों पीजी छोड़ के सिंगल रूम में शिफ्ट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं मुझसे पूछना, तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे दूंगा, या फिर आने वाले दिनों में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके भी आपके साथ मतलब वीडियो बना के इस चैनल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।